6 नवंबर यूम शोदाय जम्मू के मौके पर चेयरमैन पाकिस्तान इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लंदन और प्रेसिडेंट एंड ट्रस्टी वाटफोर्ड मुस्लिम यूथ ट्रस्ट आजी मोहम्मद मनीर ने अपने पैगाम में कहा कि 2 लाख से ज्यादा जम्मू के शोदा की कुर्बानियां रायगां नहीं जाएंगी। ये हक रियासत जम्मू और कश्मीर के आवाम का है कि वो अपनी मर्जी से अपने मुस्तकबिल का फैसला करेंगे। उन्होंने गोसिया टीवी यूके से बात करते हुए मजीद क्या कहा, आइए जानते हैं। 6 नवंबर जम्मू कश्मीर के शोदा को हम सलाम पेश करते हैं। 2 लाख से ज्यादा जम्मू कश्मीर के कश्मीरियों ने अपनी जानों की कुर्बानियां पेश की हैं। हम उनके जज्बे को सलाम पेश करते हैं कि उन्होंने अपना जान माल हर चीज की कुर्बानी देकर जम्मू कश्मीर की आज़ादी के लिए दिन रात जहाद किया और तगदोग की कोशिश की। मैं आलम इस्लाम की यह तवज्जो दिलाना चाहता हूं कि कश्मीरियों को फुल सपोर्ट दी जाए और कश्मीर में से 9 लाख भारतीय बर्बरियत करने वाली फौज को वहां से निकाला जाए और कश्मीरियों की हिम्मत में कश्मीरियों के साथ मिलकर उनकी मदद की जाए और कश्मीरी जो हैं वो अपनी जद्दोजहद को जारी रखें। ऐसी कौमें कभी भी उनकी मेहनत रायगां नहीं होती। और मैं कश्मीरियों के लिए ये भी कहना पसंद करूंगा कि वो इस जद्दोजहद के बाद जब वो आज़ादी हासिल कर लें तो अपनी मर्जी के मुताबिक जिस तरह वो चाहें अपनी जो है वो हुकूमत बनाएं और उनको अपनी आज़ादी से रहने का हक दिया जाए और इंडिया की गासबाना कब्जे को जो है वो अक़वामे मुत्तहिदा इस पर नोटिस ले और जल्द अज जल्द कश्मीरियों को आज़ादी दिलाई जाए।